नमस्कार दोस्तों, ओमेगा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारा डेरिवेशन का सीरीज हमने शुरू किया है उस डेरिवेशन में हमने या फिर डिफरेंशिएशन में हमने क्या किया है, एक्सरसाइज 9.1 हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं और हमारा एक्सरसाइज 9.2 चालू है। 9.2 में हमने पिछले वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन लिया था पूरा, आज हम लेंगे सेकंड क्वेश्चन से हम चालू करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन सेकंड है ये पूरा जो है इस वाले रूल पे डिपेंड है। तो आज हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन सेकंड है पूरा सॉल्व करेंगे जो कि इस रूल पे डिपेंड है और बाकी के फॉर्मूले हमने ऑलरेडी लिख के रखे हैं जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको रटना है। ठीक है, तो चले इस रूल का यूज करके और इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चालू करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, dy by dx is equal to, ये u है और ये v है, तो हम क्या करेंगे, u वैसा ही रखेंगे मतलब x raise to 5 वैसे का वैसा, और d dx of tan x sin plus, अभी v वैसे के वैसा मतलब tan x वैसा ही रहेगा, और d dx of क्या निकलेगा, x raise to 5। तो ये सिंपल हो जाएगा, x raise to 5 वैसे ही रहेगा, d dx of tan x, चलो इधर ढूंढते हैं क्या मिला, sec square x plus tan x वैसे क्या हुआ था, d dx of x raise to 5, x raise to 5 मतलब x raise to n, इस वाले रूल से हम क्या करेंगे, क्या हो जाएगा वो 5 x raise to 4। ठीक है, तो देखो हम इसमें से क्या कर सकते हैं, x raise to 5 इधर है और इधर x raise to 4 है, तो इसमें भी x raise to 4 छुपा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, x raise to 4 कॉमन निकाल लेंगे, इधर क्या बचा x और इधर बचा sec square x plus tan x, और ये 5 भी है तो ये 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, आप अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन, सिर्फ फॉर्मूले और ये वाला रूल का हमको यूज करना है। अगला क्वेश्चन है, चलो उसको करते हैं। क्वेश्चन दिया है तो क्या हो जाएगा, इसी रूल पे बेस है ये भी, dy by dx is equal to, u मतलब x cube और v मतलब log x। ठीक है, चलो उस रूल के हिसाब से जाते हैं, u वैसे के वैसा मतलब x cube as it is रहेगा, dv by dx मतलब क्या, d dx of log x plus v as it is मतलब log x as it is, और du by dx ये d dx, और u कौन है, u है x cube। चलो सॉल्व करते हैं इसको, x cube वैसे ही रखेंगे, d dx of log x देखना है, कितना आएगा 1/x, तो into 1/x plus log x वैसा ही रहेगा, d dx of x cube कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला, n की जगह पे 3 है तो क्या आ जाएगा 3x, 3 माइनस 1 मतलब कितना 3x स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एक, तो क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 3 log x इंटू x स्क्वायर, 3 log x इंटू x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, 1 प्लस 3 log x बचेगा, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है हमें, बस ये रूल और ये फॉर्मूले हमें याद होना चाहिए, तो आराम से हम कर सकते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन देखे रखा है हमें, इसको पहले ठीक से समझना होगा क्या है, x स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट का स्क्वायर है और उसको क्या मल्टीप्लाई है, साइन x। तो देखो u कौन हो जाएगा इधर, ये पूरा ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा u, और v मतलब है साइन x। ठीक है, अभी हम वो वाला रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, dy by dx is equal to, u वैसा ही रहेगा मतलब x स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर वैसा ही रहेगा, d dx of साइन x, बाद में v वैसा ही रहेगा मतलब साइन एक्स वैसा ही रहेगा, और डी डी एक्स ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस टू ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज, और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, देखो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स प्लस ये साइन एक्स। अभी इसको थोड़ा ठीक से हमें सॉल्व करना होगा, देखो क्या होगा, डी डी एक्स और ये पूरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस टू ब्रैकेट स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ये और ये प्लस टू से अलग नहीं है, तो इसमें क्या होगा, पहले इस टोटल ब्रैकेट पे ये वाला रूल लगेगा, एक्स की जगह पे क्या है ये पूरा ब्रैकेट और उसका स्क्वायर है, तो उस पे हम कौन सा रूल लगाएंगे, ये वाला रूल लगाएंगे। इसमें एक डेफिनेशन आपको मालूम पड़ेगा, उसका नाम है कंपोजिट फंक्शन, वो देखते हैं। पहले इसमें इस पूरे ब्रैकेट को ये वाला रूल लगाते हैं, क्या हो जाएगा, टू नीचे आ जाएगा, एन की जगह पे टू है और एक्स स्क्वायर प्लस टू रेस टू टू माइनस वन, एन माइनस वन मतलब कितना, टू, टू माइनस वन, वन होता है तो हम लिखते रहेंगे। देखिए उसके बाद में हमें क्या करना है, और मल्टीप्लाई करना है, ये तो पूरे का डेरिवेटिव हो गया, तो उसके अंदर जाना है, उसके अंदर कौन है अभी, एक्स स्क्वायर, तो वापस एक्स स्क्वायर का क्या निकालने का है हमको, डेरिवेटिव निकालने का है। इस प्रकार के या इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं या फिर इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, मतलब इसका दो बार हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। दो बार कैसे, पहले पूरे फंक्शन का निकालो और उसके बाद में जो सिर्फ एक्स है ना उसका निकालो, ठीक है। ये नया कंसेप्ट था, याद रखना चाहिए लेकिन हमें। तो देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू ब्रैकेट स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस, इसको ठीक से लिखता हूं मैं, टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, अभी इस पे ये वाला रूल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको वापस हम कैसे लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस टू ब्रैकेट स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस टू इंटू टू फोर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो अभी कुछ ना कुछ कॉमन निकालेंगे, इधर ब्रैकेट का स्क्वायर है, इधर एक ब्रैकेट है, तो एक लेके आते हैं बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस टू बाहर लेके आते हैं, इधर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक ब्रैकेट बचेगा, उसके साथ में कॉस एक्स प्लस, इधर बचेगा फोर एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाला क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सिर्फ हमें ध्यान देना है, ठीक से ये जो डेरिवेटिव निकाला है हमने इसका, ये हमें समझ में आ जाना चाहिए कि कंपोजिट फंक्शन इसमें यूज करना होता है। पहले पूरे इसमें लगा दो डेरिवेटिव, बाद में उसमें से एक्स का टर्म निकालो और उसको डेरिवेट करो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे के रखा है हमें, चलो उसको सॉल्व करते हैं सेम रूल और सेम फॉर्मूले यूज करके। यहाँ पे यू कौन हो गया, ई रेस टू एक्स, ऐसा लिखता हूँ, फोर वाई इज इक्वल टू, यू कौन हो गया ई रेस टू एक्स और वी कौन हो गया लॉग एक्स, ये वाला रूल लगाते हैं क्योंकि दोनों में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो चलो देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू एज इट इज, तो ई रेस टू एक्स एज इट इज, वी का डेरिवेटिव या वी को डिफ्रेंशिएट करना है तो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, बाद में v as it is मतलब log x as it is, और u को डेरिवेट करना है मतलब डी डी एक्स ऑफ e रेस टू x। इसको ठीक से देखेंगे, e रेस टू x वैसे ही डी डी एक्स ऑफ log x होता है वन अपॉन x प्लस log x as it is, और डी डी एक्स ऑफ e रेस टू x होता है e रेस टू x। तो कॉमन निकल ही रहा है e रेस टू x, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स, इतना भी आंसर लिखा तो भी चलेगा, लेकिन आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं तो करेंगे, वन प्लस एक्स इंटू क्या हो जाएगा लॉग एक्स
आप वहां नीचे क्या लिख सकते हैं, अपन एक्स लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। देयरफॉर डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये वाला, सिंपल सा, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट चाहो तो आप ले सकते हो। फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। फिफ्थ क्वेश्चन दिया है हमें जो कि बोर्ड पे है, देख के समझ जाना चाहिए कि ऐसा ही है लेकिन इसमें कितना है, एक दो और तीन है, मतलब U एंड V के साथ W भी है। तो मैं क्या करता हूँ आपको समझने के लिए एक बार फिर से वो फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पे नीचे, जो कि आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन समझो ये दो की जगह पे कितना है, तीन है। तो क्या होगा देखो, इफ y इज इक्वल टू यू वी एंड डब्ल्यू देन डीवाई बाई डी एक्स क्या होता है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला है लेकिन चलो फिर से करते हैं। ये पहले दो वैसे ही रखेंगे, तीसरे का डेरिवेटिव निकालेंगे प्लस, तीसरे का निकाल लिया, अभी पीछे आते हैं दूसरे का निकालते हैं डीवी बाई डी एक्स। जब दूसरे का निकालेंगे तो पहला और लास्ट वाला वैसे ही रखना, बाद में तीसरे का निकल गया, दूसरे का निकल गया, फर्स्ट का निकालेंगे और फर्स्ट के निकाल देना है बाकी दो वैसे ही रखना। ये वाला रूल रखना नहीं है, इसको समझ में लेना है, समझ के लेने का है उसको। तो चलो इस हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा U, ये हो जाएगा V, ये क्या हो जाएगा W। तो चलो देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू U एंड V एज इट इज, तो x रेस टू 3 बाय 2 इंटू e रेस टू x एज इट इज d dx ऑफ कौन है log x प्लस UW एज इट इज x रेस टू 3 बाय 2 इंटू log x एज इट इज d dx ऑफ किसका है, V का है, e रेस टू x प्लस सेकंड और लास्ट एज इट इज e रेस टू x इंटू log x और d dx ऑफ x रेस टू 3 बाय 2। चलिए x रेस टू 3 बाय 2 इंटू e रेस टू x d dx ऑफ log x 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x इधर लिखने से अच्छा है इधर लिख दो, ठीक है समझ लो उतना, प्लस x रेस टू 3 बाय 2 इंटू log x इंटू d dx ऑफ e रेस टू x वही होता है e रेस टू x प्लस e रेस टू x इंटू log x इंटू d dx ऑफ x रेस टू 3 बाय 2 फर्स्ट वाला m की जगह पे कौन है 3 बाय 2। तो क्या हो जाएगा ये 3 बाय 2 इंटू x रेस टू 3 बाय 2 माइनस 1। चलो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कुछ कर सकते हैं क्या, चलो पहले उसका सॉल्व कर लेंगे। x रेस टू 3 बाय 2 इंटू e रेस टू x अपॉन x प्लस x रेस टू 3 बाय 2 इंटू log x इंटू e रेस टू x प्लस e रेस टू x इंटू log x इंटू 3 बाय 2 इंटू x रेस टू हाफ, 3 बाय 2 में से 1 गया हाफ बचेगा। तो x रेस टू 3 बाय 2 को कैसे लिख सकता हूं मैं, x इंटू रूट x और आगे का e रेस टू x अपॉन x प्लस इसको वापस लिख सकता हूं मैं x इंटू रूट x इंटू log x इंटू e रेस टू x प्लस e रेस टू x log x इंटू 3 बाय 2 और x रेस टू हाफ मतलब कितना होता है रूट x होता है। x रेस टू 3 बाय 2 x रूट x कैसे आया आपको समझ में आया, देखो मैं बताता हूं। x रेस टू 3 बाय 2 इज इक्वल टू x रेस टू 1 इंटू x रेस टू हाफ, इतना तो समझ में आ जाता होगा करेक्ट है। तो x रेस टू 1 मतलब x और x रेस टू हाफ मतलब कितना होता है रूट x होता है। x रेस टू 3 बाय 2 अगर बेस सेम रहा तो इंडाइसेस की क्या हो जाती है सम हो जाती है, तो इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस हाफ, तो ये बराबर क्या आ जाएगा x रेस टू 3 बाय 2 ठीक है। तो उसका यूज करके हमने इधर लिखा है, तो चलिए कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, देखो इसमें x x कैंसिल हो रहा तो रूट एक्स ई रेस टू एक्स प्लस एक्स रूट एक्स ई रेस टू एक्स लॉग एक्स प्लस रूट एक्स ई रेस टू एक्स इंटू 3 बाय 2 लॉग एक्स। मैं क्या करता हूँ जो कॉमन निकाल सकते हैं ना उसको एक साथ लेके आता हूँ। तो ठीक से देखो यहाँ पे रूट एक्स ई रेस टू एक्स है प्लस के बाद
रूट एक्स ए रेस टू एक्स है, प्लस के बाद रूट एक्स ए रेस टू एक्स है, तो मैं क्या करता हूँ रूट एक्स ए रेस टू एक्स कॉमन निकाल लेता हूँ। इधर क्या बचा, वन बचा, प्लस इधर क्या बचा एक्स लॉग एक्स, ठीक है, प्लस इधर क्या बता बचा थ्री बाय टू लॉग एक्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो थोड़ा बड़ा है लेकिन हमें कॉमन वगैरह निकालते आना चाहिए, पावर को ठीक से लिखते आना चाहिए, तो हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है सिक्स्थ क्वेश्चन, जो सिक्स्थ सब क्वेश्चन है क्वेश्चन टू का। यहाँ पे दिया है log, इसको पढ़ते कैसे है, y इज इक्वल टू log ऑफ x क्यूब टू द बेस e इन टू log ऑफ x क्यूब, ठीक है। देखो इलेवंथ का जो पिछला सिलेबस था ना उसमें लॉगरिथम बोल के एक सेपरेट चैप्टर था, इस सिलेबस में वो निकाल दिया है और निकालने की वजह से बहुत सारी अड़चने हमें आ रही है, क्योंकि क्या है लॉग का जो कंसेप्ट है हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है बार बार, अगर वो नहीं मालूम होगा ना तो फिर आप आगे का कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक समझ में आ जाना चाहिए कि इसको लॉग क्या होता है, ठीक है। ये तो बहुत बार देखा होगा तुमने, क्योंकि इसका बेस हमेशा क्या होता है 10 होता है, तो ये आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन लॉग टू द बेस ई क्या होता है, ठीक है, अगर ऐसा रहा तो उसका आंसर होता है 1। आंसर कितना होता है 1, ये समझ में आ जाना चाहिए, लॉग का रूल है। लॉग टू द बेस ई हमेशा कितना होता है 1 होता है। तो मैं इसी फंक्शन को कैसे देख सकता हूँ, सीधा x क्यूब लिख सकता हूँ और इनटू log ऑफ x क्यूब लिख सकता हूँ, ठीक है। वापस log के रूल हमें मालूम होने चाहिए कि log ऑफ a रेस टू b अगर रहा तो हम क्या करते हैं, ये जो पावर है ना ये आगे आ जाता है, उसको हम लिख सकते हैं b log a। तो ये वाला यूज करते हैं वापस, y इज इक्वल x क्यूब इंटू 3 इंटू log x, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे इसको वापस लिखते हैं, 3 तो कांस्टेंट है या नंबर है वो आगे दे देते हैं 3 इंटू x क्यूब इंटू log x, ठीक है। अब इसको डिवाइड डेरिवेट करेंगे हम, dy by dx इज इक्वल टू, हम 3 को बाहर ही रखते हैं, 3 को मैं बाहर रखता हूँ 3 इंटू, अभी ये जो है u इंटू v का रूल लगेगा, x क्यूब एज इट इज डी डी एक्स ऑफ v मतलब log x प्लस log x एज इट इज, और u का डेरिवेटिव मतलब किसका डेरिवेटिव x क्यूब का, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं, 3 x क्यूब और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो 1/x मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस log x एज इट इज इंटू, इसमें ये वाला रूल लगाओ तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, करेक्ट है। तो देखो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस log x इंटू 3x स्क्वायर, तो इसको और क्या कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं, या फिर एक्स स्क्वायर दोनों साइड में है ना, तो एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लेता हूं मैं, 3x स्क्वायर बाहर, ये 1 प्लस 3 log x, ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल था ये, इतना पार्ट समझने लेकिन आ जाना चाहिए, ये पार्ट समझना बहुत जरूरी है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि लॉगरिथम चैप्टर आपके सिलेबस से निकाल दिया है, लेकिन समझना तो पड़ेगा, ठीक है। लॉगरिथम के थोड़े थोड़े रूल्स जो है वो मालूम होने चाहिए आपको, तभी आज आगे इसका एग्जांपल सॉल्व होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज हमने क्या देखा, आज हमने मल्टीप्लिकेशन का जो रूल था रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में उसके बेसिस पे जो 6 एग्जांपल्स थे वो हमने आज देखे, कल हम देखेंगे अलग रूल पे अलग एग्जांपल्स देखेंगे। एक रूल हमारा बाकी है, कौन सा है वो, डिवीजन वाला रूल हमारा बाकी है, तो कल हम उस पे वीडियो बनाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आज का आपको समझ में आ गया है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।